अध्याय 5 संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश के संविधान का वह पहला कथन जिसमें संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है वह संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। जो मूल्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बने और जिनसे इस स्वाधीनता की प्रेरणा मिली थी वे ही भारतीय लोकतंत्र के आधार बने। भारतीय संविधान के शुरुआत में इन्हीं बुनियादी मूल्यों को एक छोटी सी उद्देशिका में बताया गया है जिसे संपूर्ण भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है और इन्हें ही संविधान की प्रस्तावना कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 जनवरी 1947 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया का संविधान हमारी उद्देशिका का स्रोत है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत किया यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। हमारी उद्देशिका है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना और प्रतिष्ठा व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कुछ मुख्य तत्व हैं जिसमें पहला है हम भारत के लोग अर्थात संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। दूसरा है प्रभुत्व संपन्न। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पास होने के बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य का आश्रित नहीं रहा, वह पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य हो गया। कानूनी दृष्टि से न तो उसके ऊपर किसी आंतरिक शक्ति न किसी बाहरी शक्ति का प्रतिबंध है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता, वह पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र और स्वैच्छिक संगठन है। उसमें शामिल सभी सदस्य राष्ट्र पूर्णतः स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न है। भारत ने यह सदस्यता अपनी इच्छा से सन 1949 में स्वीकार की, वह जब चाहे त्याग कर सकता है। तीसरा है समाजवाद। संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। समाजवाद का आशय है कि आय प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमता का अंत हो जाए। इसका मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग करता है। चौथा है लोकतंत्रात्मक। मुख्यतः दो प्रकार की लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां प्रयोग में हैं, पहला प्रत्यक्ष प्रणाली, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रणाली। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून का निर्माण कर शासन चलाते हैं। लोकतंत्र को अल्पसंख्यकों की सहमति से बहुमतों का शासन भी कहते हैं। लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पहलू हैं। लोकतंत्र का तात्पर्य है जनता के द्वारा जनता के लिए स्थापित सरकार है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का तात्पर्य जनता के द्वारा जनता के लिए स्थापित सरकार है। लोकतंत्र में भारतीय संविधान निर्माताओं ने 18 वर्ष तथा इससे ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों तथा स्त्रियों को अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार देकर पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया है। वयस्क मताधिकारी सामयिक चुनाव कानून की सर्वोच्चता न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राजव्यवस्था को लोकतंत्र के स्वरूप में है। पाँचवा है गणतंत्र। लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को दो भाग हैं, पहला राजशाही, इस व्यवस्था में राज्य प्रमुख वंशानुगत होता है, दूसरा गणतंत्र, राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, वह जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। गणतंत्र का अभिप्राय है कि वह राज्य जो राजा
या इसी तरह के एक शासन द्वारा शासित नहीं होती, बल्कि जिसमें उच्चतम शक्ति लोगों में और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। छठा हमारा है पंथ निरपेक्ष। बलसावें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इस शब्द को जोड़कर सर्वधर्म समभाव की स्थिति की ओर अधिक स्पष्ट किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में उद्देशिका और भाग 4 ए में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी के साथ समान व्यवहार करता है। अखंडता, इस शब्द को बलसावें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 के आधार पर राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रताओं पर देश की अखंडता के आधार पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्राप्त है। आठवां है स्वतंत्रता। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार पर न्याय, पद एवं अवसर की समानता, मत, विचार और धर्म की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की अखंडता के लिए अधिकार दिलाता है। हमारी प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्शों फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी से लिया गया है। स्वतंत्रता का तात्पर्य है संविधान द्वारा व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना तथा विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इस प्रकार हो कि राज्य, लोकहित आदि की सुरक्षा खतरे में न पड़े। समानता से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अवसर राजनीतिक, नागरिक तथा आर्थिक समानता प्रदान करना। प्रस्तावना में न्याय को स्वतंत्रता और समता से भी ऊपर रखा गया है। भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श है सर्वे जनाः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस आदर्श का उल्लेख संविधान के चौथे भाग और अनुच्छेद 38 में किया गया है। बेरुबारी संघ 1960 यूनियन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका का महत्व केवल तब तक होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट हो। किंतु 1973 में केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया और अपने आदेश में कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब सन 1967 के मामले में न्यायाधिपति ने कहा, उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका में संशोधन, बलसावें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को उद्देशिका में संशोधन करने की शक्ति है, किंतु 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिए गए निर्णय की उद्देशिका के उस भाग को जो मूल ढांचे से संबंधित है संशोधन नहीं किया जा सकता को प्रभावित करती है। बलसावें संविधान संशोधन को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह उद्देशिका के मूल ढांचे को नष्ट करता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की व्याख्या दी गई है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में एक विशेषता यह है कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन ने अपनाया था। विधि के समक्ष समता का सिद्धांत इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार से हमारा पांचवा लेसन भी समाप्त होता है। तो हमें यह आशा की जाती है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो या आप लोग सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं। या इससे रिलेटेड और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो आप लोग उससे भी बता सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी हो सके तो कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।